बहुत से लोग कहते हैं पैसा खूब आता है पर घर में टिकता नहीं है। हमारे पास भी बहुत आते हैं ऐसे लोग कि महाराज सैलरी तो अच्छी खासी है, बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर पता नहीं जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, घर में लक्ष्मी टिकती नहीं। तो महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे जो लक्ष्मी हमारे घर में आती है वो टिके, रुके। कैसे रुकेगी कृपा करके बताइए। और ये समस्या बड़ी है, छोटी नहीं है। देखो कई कारण हैं, हमारे कर्म भी उसमें महत्वपूर्ण है। आप कमाते हो अच्छी बात है, पूर्व जन्म के कारणों से आपको मिलती है, लेकिन उसका मिसयूज़ जो हम करते हैं, जैसे हमारे घरों में उल्टी सीधी चीज़ें खाई जाती हैं तो चली जाती बीमारी के माध्यम से। लक्ष्मी आई लेकिन बीमारी इतनी लगवा दी कि चली गई। वो ऐसी ऐसी जगह चली जाएंगी कि या तो बीमारी में डॉक्टरों को देना पड़ेगा या फिर कहीं उल्टी सीधी जगह पे लग जाएगा, पैसा घर में टिकेगा नहीं, अचानक बेवजह ही बिना बताए घर में खर्चे हो जाते, और ऐसे खर्चे आ जाते कि उनसे हम मुंह भी नहीं मोड़ सकते। तो आपको उपाय बताते हैं और उसको आप अगर करेंगे, आप एक वृक्ष को जानते होंगे जिसका नाम है अशोक। नाम सुना है? सुना है कि नहीं? इसका नाम ही है अशोक। जो सबके शोक का हरण करे वो है अशोक। तो ये भी एक शोक ही है कि घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, रुकती नहीं है, आती और चली जाती है, ये भी तो एक शोक ही है। इस शोक का हरण करने के लिए आपको अशोक के वृक्ष की उपयोगिता को समझना चाहिए। अधिकांश घरों में अशोक का वृक्ष मिलता है, लेकिन प्रयोग नहीं जानते हैं इसलिए थोड़े से कष्ट भी पाते हैं। इसका प्रयोग बड़ा सरल है, बहुत सरल उपाय। अशोक वृक्ष की जड़ को थोड़ी सी, पूरी जड़ में तो खा लेना वाले, पूरा पेड़ ही तोड़ लाओ, हो जड़ पर जड़ में से थोड़ी सी लकड़ी आप ले आओ और लेकर उसे धोकर जहां आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं वहां रख दो, किसी पात्र में या किसी पुष्प पे, कहीं भी ढंग से सम्माननीय स्थान उसको रखो, और उस अशोक की जड़ का नित्य पूजन लक्ष्मी नारायण के सामने करो। प्रियकांजू है तो प्रियकांजू के सामने करो, सीताराम जी है तो सीताराम जी के आगे नित्य, जैसे आरती करते हो तो वो आरती हो ही जाएगी, बस चंदन लगा दो और धूप दीप दिखा दो, उतना करोगे। जो लक्ष्मी बड़ी तेजी से आपके घर से भाग रही है, खर्चे में तुरंत लग जाते हैं, वो लक्ष्मी दिनों दिन आपके घर रुकना प्रारंभ करेगी और आपके धन की वृद्धि करना प्रारंभ करेगी अगर आप इस अशोक के वृक्ष का जड़ का सदुपयोग कर लेंगे। तो यही मंत्र आज आपके लिए है।